नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात मथुरा से खबर आ रही है, जहां पर कृष्ण नगरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा विद्यालय में हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। फोन पर मरीजों से संवाद भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निगरानी समितियों से संवाद कर सकते हैं सीएम योगी। डैम्पियर नगर में होम आइसोलेट मरीजों से भी बातचीत करेंगे, तो निगरानी समितियों से संवाद कर सकते हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि मथुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। तो कृष्ण नगरी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार आपको फिर से बता दें कि पशु चिकित्सा विद्यालय में हेलीपैड पर उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। और गगन पंडित जुड़ गए इस पर हमारे साथ फोन पर। गगन, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? जी देखिए, बता दूं आपको, जो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि मुख्यमंत्री कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने वाले थे, लेकिन अचानक से मथुरा जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए योगी आदित्यनाथ का रुख हुआ है। अभी इस समय मैं मौजूद हूँ जिला अस्पताल में। यहाँ पे कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए आ रहे हैं। जी अचानक से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में चेंज हुआ है। चेंज होते ही इस समय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में खुद मरीजों से मिलने आ रहे हैं। जी यानी कि पहले जो कार्यक्रम था कोविड सेंटर का, पहले वो निरीक्षण करते, लेकिन जिला अस्पताल वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां भी कोविड सेंटर बनाया गया है? जी बता दूं आपको, हाँ, जिला अस्पताल में भी कोविड सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे भी कोविड-19 के पेशेंट मौजूद हैं। और इस समय बता दूं कि यहाँ पे तमाम आला अधिकारी हैं और लगातार अभी कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं और मरीजों से खुद उनके हालचाल का जायजा लेंगे। जी इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम है? जी बता दें, योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल के निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे जायजा लेने के बाद में वापस जाएंगे, जो कोविड कमांडेंट सेंटर उसका निरीक्षण करेंगे। उसका निरीक्षण करने के बाद जो है बताया जा रहा है कि डैम्पियर नगर एक मरीज से सीधे संवाद भी कर सकते हैं, जो होम आइसोलेट मरीज हैं उनके भी हाल चाल का जायजा ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटा से खबर आ रही है, जहां पर मानवता शर्मसार हुई है। जिला महिला अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में बुजुर्ग को बेड़ियों से बांधा, बुजुर्ग के पैरों में बेड़ियां डालकर बेड से बांधा है। नॉन कोविड वार्ड में भर्ती हैं 92 साल का ये बुजुर्ग। जिला कारागार में बंद हैं 92 वर्ष के बाबूराम। फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीर वहां से सामने आई है वो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पैरों में किस तरह से बेड़ियां डालकर इसके बाद बांध दिया गया है। बीमार है ये बुजुर्ग और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन चूंकि होता कभी कभी ये है कि अस्पताल प्रशासन यानी कि जो नर्स हैं या जो डॉक्टर हैं, हाथों को या पैरों को यानी कि उसको बांधने के क्रम में जो वहां पर तस्वीरें आई है सामने, बेड़ियों से बांधा गया है। आखिरकार वहां पर क्यों बेड़ियों से बांधा गया ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीर है वो काफी दिल को झकझोर देने वाली है। जिला कारागार में बंद है 92 वर्ष के बाबूराम। एटा में मानवता शर्मसार हुई है। और अरविंद द्विवेदी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद द्विवेदी, पूरा मामला बताइए। माना चाहूंगा एटा जनपद का ये मामला है, जहां पर एक जेल में एक कैदी था बाबूलाल 92 वर्ष, जो अपनी पुराने मामले में किसी में जेल में थे, उसी को लेकर के उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको जिला अस्पताल में एडमिट करा गया, जहाँ नॉन कोविड महिला अस्पताल में जो नॉन कोविड हॉस्पिटल चल रहा है वहां पर इनको एडमिट कराया गया। पर एक शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर एटा से आई है, जिसमें किस तरीके से देखिए आप, पुलिस कर्मियों ने उसकी बेड़ी से पैर बांध करके बेड से बांध दिया। एक बड़ा संगीन मामला है, किस तरीके से शर्मसार किया जा रहा है एटा कि मैं जो जिला अस्पताल में, और जैसे ही ये मामला वायरल हुआ। चलिए आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एटा जिला जेल का जेल वार्डर अशोक यादव को निलंबित कर दिया गया है। जेल वार्डर अशोक यादव के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जेल के पर्यवेक्षण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उम्र दराज बंदी को इलाज के दौरान पैरों में लगाई गई थी हथकड़ी। पैरों में हथकड़ी लगाए हुए कैदी के इलाज का फोटो वायरल हुआ था,
डीजी जेल आनंद कुमार ने घटना का संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस तस्वीर के बाद इस पर कार्रवाई हुई है और डीजी जेल आनंद कुमार ने घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई की गई है। एटा जिला जेल का जेल वार्डर अशोक यादव को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल 92 साल के एक बुजुर्ग जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पैरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेड़ियां यानी कि हथकड़ी जो हाथों में लगाई जाती है पैरों में बांध दी गई है और ये बुजुर्ग काफ़ी परेशान हैं, तकलीफ में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 92 साल की ये बुजुर्ग हैं, ये अस्पताल में भर्ती हैं, कम से कम इतनी भी रहम नहीं आई उस जो भी जेल के कर्मचारी जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में इस फोटो के वायरल होने के बाद अशोक यादव जो जेल वार्डर को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उम्रदराज बंदी को इलाज के दौरान पैरों में हथकड़ी लगाई गई थी। इस मामले में डीजी ने आनंद कुमार जो जेल के डीजी हैं उन्होंने इस वीडियो के देखने के बाद तस्वीर वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया है। बेड़िया लगा करके पैरों में बेड़िया बांध करके उनका इलाज किया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आया है, मैंने जानकारी ली ड्यूटी पर जो फार्मासिस्ट हैं तो उन्होंने बताया जी कि मतलब जो अभी जो ड्यूटी पर जो सेना सुरक्षा कर्मी है जी जो जेल से या पुलिस कर्मी होंगे संभवतः जी, तो उनके द्वारा अभी मैंने जानकारी दी है तो अभी तो निकलवा दिया है जी। लेकिन इससे पहले किन कारणों से उन्होंने बांध रखा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो ऐसे लोगों पर सर कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब इलाज के दौरान 92 साल का जो बुजुर्ग है जी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने संबंधित मतलब जो है उनके उच्च अधिकारी को बोला है। तो आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई हो गई है और ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद और न्यूज़ वन इंडिया पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक्शन हुआ है। डीजी जेल आनंद कुमार ने घटना का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। एटा जिला जेल का जेल वार्डर अशोक यादव को निलंबित कर दिया गया है। अशोक यादव के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। और एसके वाजपेयी भी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जो तस्वीरें सामने आई है, कोई भी कह सकता है कि 92 साल के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और उनके पैरों में इस तरह से हथकड़ी, वाकई में ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई तो की है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें एटा जिला जेल से जुड़ी हुई हैं, जिसमें 92 साल का एक कैदी है जो कि खुद इतना उम्रदराज है कि वो भागने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मानवीय बात ये होती है, जब वो बीमार है उसको नॉन कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उसका इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान भी उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसका इलाज कराया जा रहा है, तो निश्चित है कि ये तस्वीरें शर्मनाक है और खास तौर पर ऐसे लोगों पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है जो सरकारी विभाग, जेल जैसे विभाग से जुड़े हुए। हालांकि पूरे मामले का संज्ञान डीजी जेल आनंद कुमार ने लिया है, जिसके बाद संबंधित जेल वार्डर अशोक यादव को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ उसकी खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। आप हमारे साथ बने रहे, आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं इस वक्त डीजी जेल। बहुत बहुत स्वागत है सर, न्यूज वन इंडिया से बोल रहा हूँ। दरअसल ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं थोड़ी सी भी संवेदना नहीं रखते। देखिए, एक ये अमानवीय घटना और एक व्यक्ति इसके लिए दोषी है, पूरी व्यवस्था पे प्रश्नचिन्ह लगाना उचित नहीं है जी। और ये जिस कर्मी ने ऐसा किया है, हम लोग को शर्मसार किया गया, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाकी जो अधिकारी हैं सुपरवाइजरी, उनका भी स्पष्टीकरण कॉल किया गया है और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जी। बिल्कुल सर, अमानवीय कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिल्कुल सर, ठीक है, अच्छी बात है, आपने इस पर कदम उठाते हुए कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह है कि जेल में जेलर भी होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, क्या बिना परमिशन के उन्होंने बेड़ियां डाल दी थी पैरों में? मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि जिसने जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनका स्पष्टीकरण कॉल किया गया है, किन परिस्थितियों में उस हथकड़ी को दिया गया और कैसे उसको लगाया गया, सारी चीजों के बारे में जांच ऑर्डर कर दी गई है और जो प्रथम दृष्टया दोषी है उसको सस्पेंड करके बाकियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। यानी इस वक्त तो एक पर कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें जितने भी लोग दोषी होंगे सब पे कार्रवाई होगी? कोई भी दोषी होगा, जो भी दोषी होगा, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जी। किसी को बख्शने का कोई मतलब नहीं है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें डीजी जेल आनंद कुमार जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अशोक यादव जेल वार्डन जो है जिसने ये कृत्य किया है उसे तो फिलहाल निलंबित कर ही दिया गया है, लेकिन विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं और जो जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे सब पर कठोरतम कार्रवाई होगी। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, आप ही सुन रहे होंगे, डीजी साहब इस वक्त हमारे साथ खुद लाइन पर थे और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाया गया जेल वार्डन उसको सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच के आदेश हुए हैं, तो निश्चित है कि विभागीय जांच में जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके अलावा जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं उनसे भी स्पष्टीकरण पूरे मामले पर तलब किया गया है कि आखिर किन वजहों से ऐसे उम्रदराज कैदी के पैरों में बेड़ियां डालने की जरूरत पड़ी, खासतौर पर उस समय जबकि उसका इलाज चल रहा था। वैसे भी वो कैदी भागने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जब इलाज चल रहा है उस दौरान भी उसके बेड़ियां क्यों डाली गई, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो निश्चित है कि बाकी दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि यह अमानवीय कृत्य था जिस पर डीजी जेल आनंद कुमार ने संज्ञान लिया और मामले में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट को देखते ही कार्रवाई कर दी है और बाकी पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी हो गए हैं। तो निश्चित है कि बड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल उम्मीद भी करते हैं। एक बार हम जान लेते हैं, आरबी द्विवेदी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एटा से। आरबी द्विवेदी, बताइए जो कैदी हैं, जो 92 साल के बुजुर्ग हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके बारे में बताइए कि ये किस मामले में जेल में बंद हैं, कब से बंद हैं, वहां पर कहां के रहने वाले हैं। जी धर्मराज जी, जिला जेल में यहां पर बंद हैं, कोई पुराना मामला चला आ रहा था इनका, पारिवारिक विवाद बताया जा रहा था उसमें इनको जेल में है ये काफी दिनों से। पर ये बड़ी बात यह है कि कितना बड़ा अमानवीय कृत्य किया गया है, क्योंकि 92 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग भाग नहीं सकता, उसके बाद में वो अस्वस्थ भी है और जब इलाज करा रहा होता है तो वहाँ वैसे ही वो अस्वस्थ है और उसके बावजूद भी ये जो घटना को कृत किया गया है, इसको अंजाम दिया गया है। इसमें जितने भी दोषी और भी इसमें बताए जा रहे हैं कि और भी कई इसमें जो है, अगर इस बात को लेकर के स्वास्थ्यकर्मी ही अगर इसकी आवाज जो अगर उठाते तो निश्चित तौर पर ये खोला जा सकता है और भी इसमें स्वास्थ्यकर्मी भी इसमें दंडित होना चाहिए। इसमें अभी कई और लोग नाम जांच में आने वाले हैं, उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को एकदम गंभीरता से उठाया था और जैसे ही न्यूज वन इंडिया पर यह खबर चली हमारे एडीजी साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी द्विवेदी, आपका भी और एसके वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी के मिशन ऑक्सीजन का असर देखने को मिल रहा है। यूपी में दूर हो रही है ऑक्सीजन किल्लत, सीएम योगी के युद्ध स्तर पर चला रहे अभियान मिशन ऑक्सीजन के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। 24 घंटे में 1014.53 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। एयर सेपरेटर यूनिट से 96.97 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई। वहीं होम आइसोलेशन के 4105 मरीजों को भी ऑक्सीजन दी गई है। 27.9 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है सिलेंडर के माध्यम से। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 619.59 मीट्रिक टन आपूर्ति की है मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों को। वहीं 302.62 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राइवेट अस्पताल को। वहीं 92.32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है प्रदेश के निजी सरकारी अस्पतालों को। वहीं 1014.53 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है। यूपी के प्रमुख जिलों में पिछले 24 घंटों में ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है। तो सीएम योगी के मिशन ऑक्सीजन का असर देखने को मिल रहा है। यूपी में दूर हो रही है ऑक्सीजन की किल्लत और कानपुर में 113.13 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। वाराणसी में 65.71 मीट्रिक टन। वहीं वाराणसी की बात कर ली जाए तो 65.71 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया है। वहीं मेरठ की बात कर लें 252.56 मीट्रिक टन। वहीं मुरादाबाद में 56.20 मीट्रिक टन। आगरा की बात कर लें तो 77.03 मीट्रिक टन। यानी हर जिले को जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की भरपाई की गई है। गोरखपुर में 51.37, लखनऊ की बात कर ली जाए तो 136.20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं, बांदा से खबर है जहां मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। जेल प्रशासन ने जारी की है मुख्तार की कोरोना रिपोर्ट। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जो कि बांदा जेल में बंद है और फिलहाल कोरोना रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें मुख्तार अंसारी की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है। तो जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की
निगेटिव रिपोर्ट आई है कोरोना को लेकर। मांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। हमीरपुर जिले में एसपी ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने की शिकायत पर भारी पुलिस फोर्स के साथ बाजार सब्जी मंडी समेत मुख्यालय का पैदल गश्त कर लॉकडाउन का जायजा लिया है। वहीं गश्त के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को सख्ती से घर पर रहने की हिदायत भी दी गई है। फर्राटा भर रहे वाहनों का चालान भी किया गया। कुछ दुकानें खुली मिलने पर उनका भी चालान किया गया है। हमीरपुर की तस्वीर है जहाँ भीड़भाड़ को देखते हुए कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए, ज़्यादा लोग सड़कों पर न रहें, दूरी बनाए रखें, इस उद्देश्य से निकले थे हम लोग। तो जिसको पूछे हैं तो अधिकतर लोग बता रहे हैं दवा लेने के लिए, कुछ बैंक के काम से। तो लोगों को सलाह दी गई दूरी बनाए रखने के लिए और मास्क लगाने के लिए और गैर जरूरी बातों के लिए ना निकले। तो इसका इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग निकले थे और जो जिन्होंने इसका उल्लंघन किया उसका चालान करवाया गया। कितने चालान हुए हैं बिना मास्क के? बिना मास्क के लोगों के तो आज कितने हुए चालान? छह हुए हैं। अभी भ्रमण के दौरान छह हुए हैं। एक गलत दुकान खुली थी उसका भी चालान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी से खबर है जहां पर गर्भवती महिलाओं के लिए सीएम योगी के आदेश का असर। कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की सीएससी में नॉर्मल डिलीवरी की गई है। सीएससी के डॉक्टर्स ने गर्भवती महिला की कराई नॉर्मल डिलीवरी। गर्भवती महिलाओं के लिए सीएम योगी ने जारी किए थे निर्देश। गर्भवती महिलाओं के लिए हर जिले के अस्पताल में आरक्षण हो। सतरिक सीएससी में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। खबर उन्नाव से। गांव में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। गंगा नदी किनारे सैकड़ों शवों को दफन किया गया है। पैसे की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं अंतिम संस्कार। गंगा किनारे नहीं बची है शव दफन करने की अब जगह। एक महीने में 300 से ज्यादा शवों को दफन किया गया है। आपको बता दें कि उन्नाव से ये खबर है। बक्सर और रोहतापुर के घाटों पर लाशें पड़ी है। खेतों में शवों को किया जा रहा है दफन। खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद इन लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि उन्नाव से खबर है जहां पर गंगा किनारे अब जगह नहीं बची है शवों को दफन करने के लिए। 300 से ज्यादा शवों का दफन किया गया है। गांव वालों का कहना है कि लगातार मौतें हो रही है खांसी बुखार और कोरोना जैसे संक्रमण से। शमशान घाट रोहतापुर। हाँ। यहाँ जो ये लाशें दफन है। हाँ। एक दिन में कितनी लाशें आ जाती हैं? 30-35 तक की आ जाती है। सिर्फ दफनाया ही जाता है कि यहाँ जलाया भी जाता है? जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। एक महीने में कितनी लाशें आई हैं यहाँ? 100-200 आई हैं। जे क्या घड़ी। अच्छा, कौन से लोग हैं मतलब जो आते हैं, जो बाड़ी आती है, कौन से बीमारी वाले होते हैं कि कोरोना वाले होते हैं, कई कौन से लोग होते हैं? बीमारी वाले भी, कोरोना वाले, स्टूडेंट वाले भी। शमशान घाट रोहतापुर। यहाँ जो ये लाशें दफन है। हाँ। एक दिन में कितनी लाशें आ जाती हैं? 30-35 तक। खबर बरेली से जहां पर शराब की दुकानें खुली है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, यानी कि शराब की दुकानें खोली जाएंगी। कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक समय में दुकान के पास 5 लोगों को ही अनुमति दी गई है, यानी कि आप ज्यादा भीड़ नहीं लगा सकते। कोविड 19 का पालन न करने पर कार्रवाई भी होगी। तो बरेली में अब शराब की दुकानें खुलेंगी। आपको बता दें कि कोविड नियमों के पालन करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी और 5 लोगों से ज्यादा दुकान के आसपास खड़े नहीं हो सकते। हालांकि तस्वीरों में आप देखिए कि लंबी लाइन है शराब की दुकानों पर। जब भी दुकानें खुलती हैं काफी संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कोविड 19 नियमों का पालन करते हुए शराब कि दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी और इस बीच आप शराब की दुकान पर जाकर शराब खरीद सकते हैं, लेकिन कोविड नियमों के पालन करते हुए। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी कमिश्नरेट की किरकिरी हुई है। आपको बता दें कि नई गाड़ी की खेप में लगाना पड़ा है धक्का। पुलिस कमिश्नर झंडी दिखाकर कर रहे थे रवाना। मौके पर काफिले की एक गाड़ी बंद हो गई।
डायल 112 को आज नई खेप मिली है। रिस्पांस टाइम कम करने के लिए ये नई गाड़ियां दी गई है। नई खेप की एक गाड़ी को धक्का देना पड़ा यानी स्टार्ट करने के लिए। और ये तस्वीरों में आप देखिए, आपको बता दें कि आज ही बनारस कमिश्नरेट में यानी कि नई गाड़ियों की जो खेप आई है उसमें एक ऐसी गाड़ी भी जब हरी झंडी दिखाई गई तो उस ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई और धक्का देके स्टार्ट करना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से ये तस्वीर है। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये निर्देश दे रहे हैं कि खासकर एम्बुलेंस को लेकर यानी रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए और इसलिए व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वाराणसी में जब हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया जा रहा था उस दौरान एक ऐसी भी गाड़ी थी जो नई गाड़ी आई है नई खेप में, उसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा। तस्वीरों में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। वाराणसी की ये तस्वीर है जहां आज यानी कि कभी भी हरी झंडी जब दिखाई जाती है तो गाड़ियों को वहां से रवाना किया जाता है, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी भी गाड़ी थी जो स्टार्ट नहीं हुई और फिर उसमें धक्का देना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।